नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और कल परसों हमने एक्सेल का एक वीडियो बनाया था, उसी के तहत आज एक और वीडियो एक्सेल का लेकर आए हैं। दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों ये बुक वन है, और यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी एक्सेल की एक शीट खुली हुई है। इसी तरीके से मैं आपको बुक टू दिखा देता हूँ, ये दूसरी एक्सेल की शीट खुली हुई है। और मैं यहाँ पर दो नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए ये दो कंट्री के नाम लिख दिए हैं मैंने। और दोस्तों अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई किसी सिमिलर फाइल पर काम करना होता है, या डुप्लीकेट फाइल होती हैं, हमें उनको चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है दोस्तों, ऐसे में हमें बार बार इस तरीके से स्विच करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ता है, या नीचे जो आपकी ये शीट चल रही होती है वर्कशीट, इनको चेंज करना पड़ता है। अब दोस्तों मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ व्यू पर आ जाइए, देखिए ये यहाँ से आप व्यू पर आ जाइए। व्यू पर आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है स्विच विंडो का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपकी जितनी बुक खुली हुई हैं, दो शीट खुली हुई हैं, वो शीट आपको यहाँ दिखेंगी। तो जैसे ही आप स्विच करेंगे दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से आप जो है बुक टू पर स्विच कर चुके हैं, और ये आप बुक वन पे स्विच कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन को तो आप ये स्विचिंग के उससे जान सकते हैं अब, क्योंकि अगर आपको दोनों शीटों को एक साथ काम कर देखना है, आपको चलना होगा इस ऑप्शन पर। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है व्यू साइड बाई साइड। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं साइमल्टेनियस नीचे भी एक और ये ओपन हो गई है, जो बुक टू थी हमारी वो यहाँ ओपन हो गई है, ये वन ओपन हो गई है, और अब ये दोनों एक साथ आपको दिखेंगी। तो आपको दोस्तों जो भी काम करना है, जो भी चेंज करने होते हैं, वो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, और वो इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता चला जाएगा, देन आप नीचे भी देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हमें यहाँ पर एक्चुअल में लिखना क्या है। तो अब यहाँ से जो सबसे अच्छी चीज़ होगी दोस्तों, वो आप मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग। मान लीजिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ, मैंने इसे इसको हटा दिया है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर स्क्रोलिंग करूँगा तो ये जो है स्क्रॉल होता रहेगा, नीचे आकर स्क्रॉल करूँगा तो ये स्क्रॉल होता रहेगा, और ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन को जो है यहाँ से इनेबल कर दिया है मैंने। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं जिस भी शीट में जो भी काम करूँगा वो दूसरी शीट में भी होगा। मान लीजिए मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो देखिए नीचे वाली शीट भी स्क्रॉल हो रही है। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं लेफ्ट साइड में, और ये मैं इस तरीके से इसको ऊपर लेकर आ जाता हूँ, ये देखिए। मैं अगर दोस्तों इसको जो है मिनिमाइज़ करूँगा तो आप देखिए दोनों मिनिमाइज़ हो रही हैं, दोनों शीट एक साथ मिनिमाइज़ हो रही हैं। तो कभी कभी हमें ऐसे जूम करके अगर सेम डेटा को चेक करना होता है, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये भी स्क्रॉल होगी दोस्तों। ये आपको सबसे अच्छा ऑप्शन देता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। आप दो शीट को एक साथ काम में ला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ये आपके काम में आ सकती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे कई बार हमें काम करना पड़ जाता है तब, जब दोनों शीटों को मिलाकर काम करना होता है, तो उसके लिए आप व्यू साइड बाय साइड पर आ सकते हैं। और अगर आपको डबल काम जैसे जूमिंग करनी है, दोनों को एक साथ चलाना है, तो आप यहां जो है स्क्रॉलिंग का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और व्यू साइड बाय साइड के बाद आप जो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जो है आपका दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आपकी बुक लौट आएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, लेकर आते रहेंगे। तो आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से बता पाएंगे कि आप और भी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं एक्सेल के, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग और भी वीडियोस जो है दोस्तों ज़रूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।